पीएम की स्पीच इज वंडरफुल, पीएम के एक्ट दैट वर वंडरफुल, क्योंकि जैसे उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया कि दिस इज सेक्रेट, और दो डेमोक्रेसी कंट्रीज अगर आपस में मिलकर काम करेंगे, जैसे उन्होंने पूरा विश्वास लेके और जी का जो फाइटर प्लेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, और भारत को 2014 से उन्होंने आर्म सेक्टर में खोल दिया है, सो देर इज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर भारत, ही हैज इंक्रीज कि भारत किस तरह से तेजस और सारे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फाइटर प्लेन का अगर हमको जी का टेक्नोलॉजी और काम वहां पे भारत के लोगों को मिलता है, दिस द ग्रेट थिंग, और भारत उसे सशक्त भी होगा, क्योंकि खुद अगर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है आर्म्स, तो डेफिनेटली दुनिया में भारत की साख और बढ़ेगी। प्लस सेमीकंडक्टर जो कि वन ऑफ द की एसेट है आज के वर्ल्ड के लिए, और अश्विनी वैष्णव ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क ओवर देयर, लाइक ही हैज टोल्ड कि 6G में भारत लीड करेगा, सो दैट्स द ग्रेट थिंग ही हैज डन, एज वेल एज द की थिंग व्हाट ही हैज सेड कि दिस इज नॉट जस्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भावनात्मक चीज जो बनेगी, जो कि उन्होंने अपने एड्रेस में कही कि दिस इज मोर ऑफ इक्वलिटी एंड डिग्निटी, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कही कि जो म्यूचुअल बहुत सारी बातें जो दैट्स द की थिंग दैट विल क्रिएट अ नेचुरल अलाइनमेंट ऑफ यूएस एंड इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें, भारत अमेरिका की दोस्ती